बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको इंक्रीज़ रेंट अमाउंट के बारे में बताऊंगा कि हम ईयरली इंक्रीज़ रेंट अमाउंट किस तरीके से उसकी रिपोर्ट एक्सेल पे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीज ईयरली रेंट अमाउंट। अब यहाँ हम इंक्रीज ईयरली रेंट अमाउंट उसका डाटा अगर आप यहाँ एक्सेल पे बनाएंगे तो यहाँ मैं जो स्टार्ट करता हूँ कि जैसे मैं अगर अपने पांच या छह क्लाइंट ले लेता हूँ कि जिनको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ रेंट के ऊपर दी हुई हैं और उनका जो रेंट इंक्रीमेंट है वो कितने ईयर के हिसाब से मुझे इंक्रीज़ करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कॉलम बनाऊँगा यहाँ पर सीरियल नंबर का, उसके बाद हमारे जो क्लाइंट नेम होंगे वो आएंगे और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे स्टार्ट डेट और फिर उसके बाद हम यहाँ राइट करेंगे करंट डेट। करंट डेट के बाद फिर हम यहाँ पर राइट करेंगे ईयर डिफरेंस। ईयर डिफरेंस भी आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं राउंड ऑफ। अब ये राउंड ऑफ क्या है ये आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ जब हम अपनी वर्किंग शुरू करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर राइट करेंगे इनिशियल रेट। इनिशियल रेट आ जाएगा यहाँ पर और इसके बाद लास्ट हमारा जो कॉलम आएगा उसमें आ जाएगा इंक्रीज रेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपने कॉलम के साइज़ को सेट कर लेते हैं, डबल क्लिक करके जितना आप कॉलम के साइज़ की नीड होगी यहाँ से आप सेट कर लेंगे इसको। अब उसके बाद यहाँ पर हम नंबरिंग डाल देते हैं 1, 2 और इनको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल मैं 6 क्लाइंट के ऊपर वर्किंग कर लेता हूँ और इनको सेलेक्ट करके यहाँ से जो बॉर्डर दे देते हैं हम और इनको सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और फॉर्मेटिंग दे देते हैं। अब नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं यहाँ पर, तो पहले तो यहाँ से एक्स्ट्रा लाइन को मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। क्लाइंट के जो नेम होंगे उनको हम यहाँ पर राइट करते हैं कि हमारा क्लाइंट जो भी हमारा कस्टमर है जो रेंटर है तो वो हमारा कितना उसका नेम जो भी होगा रमीस यहाँ हमने राइट किया। उसके बाद हम यहाँ पर राइट करेंगे सलमान राइट करेंगे और फिर हम यहाँ पर रेंटर नेम के आमिर लिखेंगे और इमरान और इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं जिशान और इसके बाद नमान। ये हमारे रेंटर नेम है जो भी हमारे रेंटर नेम होंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट में यानी कि आपने जो भी प्रॉपर्टी रेंट पे दी होगी तो उसकी जो स्टार्टिंग डेट जिस टाइम से आपने रेंट पे दी होगी वो डेट क्या आएगी यहाँ पर। तो पहली डेट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 जैन 2005। उसके बाद इनकी मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ 4 अगस्त और यहाँ लिख लेते हैं 2000 कि 2000 से हमने रेंट पे दी हुई है। फिर इसके बाद हम यहाँ राइट कर लेते हैं 7 जुलाई और यहाँ पर 1998 से कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ ऐड करेंगे 3 मार्च और 3 मार्च के लिए हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं जैसे कि 2008 ऐड कर लेते हैं। तो कोई भी हम यहाँ पर स्टार्टिंग डेट लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको समझाने के लिए कुछ यहाँ पर सैंपल डेट के जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ और इसको हम लेते हैं 1995 से और इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 10 मई और 1999। तो ये कुछ स्टार्टिंग डेट है कि यहाँ से रेंटा कार सॉरी रेंटा जो भी प्रॉपर्टी होगी आपकी शॉप्स होगी तो उनकी स्टार्टिंग डेट क्या होगी। और फिर इसके बाद हम लिखें करंट डेट। करंट डेट के लिए आपने यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर लिया, टुडे का फार्मूला यूज़ किया, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे और इसको अब आपने कर देना ड्रैग। डेट फॉर्मेट डिफरेंट है कोई मसला नहीं है, सेम करना हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ से चले जाएँ डेट पर जाकर, यहाँ से आप मोड नंबर फॉर्मेट पर चले जाएँ और इसका भी हम सेम फॉर्मेट बना लेते हैं जैसे हमने यहाँ रखा हुआ है। तो डेट फॉर्मेट के अंदर इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करके यहाँ से इस तरीके से अब आपका जो भी नेम मंथ होगा वो आपके पास इस तरीके दोनों सेम आ रहे होंगे।
अब एयर डिफरेंस यहाँ हम निकाल लेते हैं कि आपकी जो डिफरेंस आ रहा है एयर का, कि कितने टाइम से आपने जो भी आपने रेंटर शॉप या कोई भी चीज़ आपने दी हुई है तो उसका कितना डिफरेंस आ रहा है एयर का। तो इसके लिए यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे एयर फ्रैक वाले फार्मूले को आपने सेलेक्ट करना है। तो स्टार्टिंग डेट आपने सेलेक्ट करनी है, कॉमा लगाना है, उसके बाद करंट डेट आ जाएगी आपकी यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर आप कर देंगे। आप जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ एयर डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ आपके पास पॉइंट में आ रहा होगा, तो आप जब यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसमें और बाकी भी आपके पास पॉइंट में आ सकते हैं। तो पॉइंट का मतलब है कि 15 साल तो हो गए, तो 4 महीने लगा लें इस तरीके का आपके पास आ सकता है। अगर आपने इसको बिल्कुल राउंड ऑफ करना है तो एक तरीका तो ये है कि आप इसी कॉलम के ऊपर रहते हुए आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज इन डेसिमल को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से जैसे मैं यहाँ से करता जा रहा हूँ, कम होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से भी एक तरीका है। दूसरा, अगर आप फार्मूले की मदद से करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर फार्मूला राइट कर लेते हैं, सीलिंग हमारे पास एक फार्मूला है, सीलिंग फार्मूला आप सेलेक्ट करेंगे। तो नंबर आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर एयर वाले सेल का, कॉमा लगाएंगे, और सिग्निफिकेंट आपसे पूछ रहा है कि 1, मैं यहाँ 1 लिख लूँगा और ब्रैकेट क्लोज करूँगा ताकि ये 1 के अंदर राउंड ऑफ हो जाए। एंटर करूँगा तो देखिए मेरे पास यहाँ तक बता दी इसने कि इस डेट से लेकर स्टार्ट डेट से लेकर करंट डेट तक कितने ईयर कंप्लीट हो गए, 16 ईयर। इसको मैं ड्रैग करूँगा तो देखें यहाँ पर मेरे पास तमाम के तमाम रेंटर के जो भी डिफरेंस आ रहे हैं ईयर के, वो आ चुके, किसी के 16 साल, किसी के 20 साल, 22 साल, 13 साल, 26 साल और 31 साल। तो ये हमारे ईयर के डिफरेंस आ चुके हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इनिशियल रेट, कि हमने कितने रेंट के ऊपर किस किस रेंटर को हमने अपनी शॉप या कुछ भी जो भी हम प्रॉपर्टी होगी तो किस रेट के ऊपर हमने दी होगी। तो हम जैसे यहाँ पर दे देते हैं 8,000 और यहाँ हम कर देते हैं 15,000, और फिर हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं 12,000। उसके बाद यहाँ पर राइट करेंगे 6,000, और फिर हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर 14,000, और लास्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऐड 10,000। तो ये हमारे रेंटर हैं। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे आएगा इंक्रीज रेंट। अब इनका रेंट इंक्रीज करना है तो किस हिसाब से इंक्रीज करेंगे, तो नीचे मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा। तो इस टेबल से हम वैल्यूज़ को पिक करेंगे, हमारी कंडीशन के लिहाज से होगी। तो जो कंडीशन अगर आपको अपने साथ लिहाज से रखने की वो आप रख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर राइट करता हूँ नंबर ऑफ एयर, नंबर ऑफ एयर आ जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद आ जाएगा इंक्रीज रेंट परसेंट, कि कितने परसेंट के हिसाब से आपका जो रेंट होगा वो इंक्रीज होगा। तो इनको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको ही बोल्ड कर लेता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे यहाँ पर 3, यानी कि 3 ईयर्स की रेंज। तो 3 ईयर की रेंज के हिसाब से 5% का इंक्रीमेंट, और उसके बाद 5 ईयर्स, 5 ईयर के हिसाब से 6% का इंक्रीमेंट, और फिर उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 10 ईयर्स, 10 ईयर के हिसाब से हम यहाँ पर 8% का इंक्रीमेंट, फिर इसके बाद 15 ईयर्स, 15 ईयर्स के हिसाब से हम 12% का इंक्रीमेंट, और अगेन हम यहाँ पर लिखेंगे 15, 15 के हिसाब से 15% का इंक्रीमेंट। अब दो बार 15 मैंने क्यों लिखा है, ये आपको हमारे इस कंडीशन वाले फार्मूले में समझ में आ जाएगी। तो इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, और इसको भी मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। अब यहाँ हमने क्या काम करना है, यहाँ पर अब आपने फार्मूले को फोकस करना है और आपने अपने फार्मूले को समझना है यहाँ पर। तो यहाँ हम लगाएंगे कंडीशन फार्मूला, आपने कंडीशन फार्मूला लगाना है, इक्वल लगाना है, इफ ब्रैकेट ऑन करना है, और सबसे पहले आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपने सेल्स को। अब कौन से आप सेल को सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका जो भी एयर डिफरेंस वाला सेल होगा, यानी कि कितने साल आपको मुकम्मल हो गए, तो यहाँ आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपके साल कम होते हैं, लेस देन का साइन बनाएंगे, या बराबर होते हैं, किस चीज़ के बराबर होते हैं, आपके नंबर ऑफ ईयर्स, यानी अगर आपके 3 साल से कम होते, तो इसको मैं F4 से फ्रीज करूँगा ताकि ये वैल्यूज आपकी नीचे ना जाए, आप जब ड्रैग करें तो प्रॉपरली आपको आंसर मिल जाए। तो अब मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, अगर आपके पास आपका साल कम होता है किसके नंबर इस साल से, तो आपके पास कंडीशन में क्या आएगा, जो आपके इनिशियल रेंट होगा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना आपका इंक्रीज परसेंट हो रहा है, परसेंट मल्टीप्लाई, और इसको भी हम F4 से कर देंगे फ्रीज।
और प्लस कर देंगे हम अपने इनिशियल रेंट को, क्योंकि अगर हमारा कोई कंडीशन मैच करती है तो 8,000 का जो पर्सन तो निकाल देगा, लेकिन हम चाह रहे हैं वो पर्सन निकालने के बाद जो आपका रेंट था वो उसमें ऐड हो जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस किया है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगा इफ़, ब्रैकेट ऑन करूँगा, अगर आपके एयर्स लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एयर इससे अगर आपके कम होते हैं, इसको F4 करूँगा, कॉमा, तो आपके पास आपके इनिशियल रेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे नंबर ऑफ परसेंट, इसको भी F4 से फ्रीज कर दूंगा यहाँ पर, और प्लस कर दूंगा इसके अंदर आपके इनिशियल रेट को। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे, 4 हमारे पास चॉइस है तो हम 4 या 5 कंडीशन बनाएंगे, जितनी आपके पास आपकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें होंगी तो उतनी आपकी कंडीशन बनेगी। तो अब मैं सेलेक्ट करूँगा अगर आपके एयर्स लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, उसके बाद आपने लगाना है कॉमा, तो आपकी जो इनिशियल वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपके परसेंट से और प्लस कर देंगे आपने इनिशियल रेट को। तो आप सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली वैल्यू भी लिख सकते हैं जिससे आपको इजी लगे। फिर हम यहाँ लगाएंगे कॉमा, फिर हम लगाएंगे इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे, आपके ईयर्स लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, इसको हम कर देंगे F4, F4 से फ्रीज हम लाजमी करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर F4 प्रेस करना है, जैसे मैंने अभी इसलिए कंडीशन में F4 प्रेस नहीं किया, ये J19, तो J19 बिल्कुल यहाँ पर हम करेंगे इसको F4, F4 फ्रीज नहीं करेंगे तो फॉर्मूला में प्रॉब्लम आएगी, तो इसको F4 से फ्रीज कर देंगे, और M और K19 बिल्कुल इसको भी हम यहाँ से F4 से फ्रीज कर देंगे इसको भी। अब यहाँ पर आते कॉमा, तो अगर आपके ईयर्स लेस देन होते हैं या बराबर होते हैं नंबर ऑफ ईयर्स के, तो आपकी जो इनिशियल वैल्यूज़ है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम आपके परसेंट से, और इसको भी आपने F4 करना है, और प्लस कर देंगे आपकी इनिशियल रेट को। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद अब आपने इसी कंडीशन को दोबारा रिपीट करना है। अब आप लगाएंगे इफ, ब्रैकेट ऑन, लास्ट वाली कंडीशन को हम चेंज करेंगे, अगर आपके राउंड ऑफ इन ईयर्स ग्रेटर देन अगर आपके होते हैं किससे, 15 से, और इसको हम करेंगे F4 से फ्रीज, कॉमा, तो आपकी जो परसेंट है यानी कि जो आपकी इनिशियल रेट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपके परसेंट से, और इसको हम करेंगे यहाँ से F4, और प्लस कर देंगे इसमें आपके इनिशियल रेट, और उसके बाद अब हम लास्ट में तमाम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे जितने आपने ओपन किए हैं, 1, 2, कलर वाइज आप चेक कर सकते हैं, 3, 4, 5, 5 ब्रैकेट्स, यानी कि लास्ट आपका ब्लैक ब्रैकेट्स क्लोज हो रहा है, अब आप इसको करेंगे इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो देखें आपके पास आपकी कंडीशन के हिसाब से जो मैच हो रही होगी तो उस तरीके से ये आपको आंसर दे देगा। इसको हम कर देंगे यहाँ पर ड्रैग, तो देखें इससे हमारे पास तमाम की तमाम कंडीशन मैच हो जाएगी। आप इसको मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं कि 8,000 आपकी कंडीशन में जो मैच कर रहा था कि आपके 16 इयर्स मुकम्मल हो रहे थे, तो 16 इयर्स में इसका मतलब लास्ट कंडीशन मैच हो रही थी कि 15 साल से आपके ऊपर हो रहे, 16 साल हो रहे, तो 16 साल में इसका मतलब है 15%। तो अगर मैं आपको यहाँ पर मैनुअली दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ निकालते हैं 15% मल्टीप्लाई स्पम करते हैं इक्वल 8,000 मल्टीप्लाई करते हैं 15% से, एंटर करेंगे 1,200 आ जाएगा हमारे पास, और अगर हम अपने 8,000 को प्लस कर देते हैं 1,200 के अंदर, तो देखिए आंसर क्या आ गया, 9,200। तो बिल्कुल आपके पास जो आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब इसमें हमें मालूम हो जाएगा कि किसके किस लिहाज से, कितने साल के लिहाज से कितना इंक्रीमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की इंक्रीज ईयरली रेंट अमाउंट शीट, कि हमने कैसे एक्सेल के ऊपर इसको मेंटेन किया। अगर प्रॉब्लम हो कोई तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।